70 रुपए मात्र 3 पीसेस चिकन के आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे आज के जमाने में, लेकिन ये खिलाने में लोगों को बिलीव करते हैं, खुद कमाने में नहीं। बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया। कितना क्या नाम चल रहा है, नाम चल रहा है, आपको कैसा लगता है, टेस्ट कैसा था? बहुत बढ़िया। 3 किलो 3 किलो 3 किलो चिकन जा रहा है इसके अंदर, देखिए आप, बहुत बढ़िया। मतलब आज आपको स्ट्रीट फूड जो प्रॉपरली होता है, जो चिकन स्टू बनता है और जो मुगलई स्टाइल में बनता है हमारे मुस्लिम बनाते हैं भाई, तो उस सब तरीके से आपको बना के दिखाएंगे। टमाटर और पुदीना, देखिए भीड़ देखिए, बच्चे आ चुके सारे। इंडिया टीवी अर्नब गोस्वामी का बनता है गोल्डन मिर्चों का, और वो रेड मिर्चों का बनता है लाल कौरमा। अच्छा, ये तो ये क्या बन रही है अपनी नारी स्टू? चिकन स्टू, ठीक है। तो ये क्या बन रही है अपनी नारी स्टू? चिकन स्टू, ठीक है। तो कितनी देर बना लेते हो चिकन स्टू, कितनी देर लगी बनाने में? 1 घंटा 1 घंटा। तो चिकन स्टू बन रहा है अपने, कौन सा तेल है ये? रिफाइंड तेल है, रिफाइंड ऑयल है, डालडा वगैरह नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अभिमन्यु है और आप सभी लोगों का मेरे चैनल नोमैडिक अभिमन्यु पर तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आज फिर से आ गया हूँ अमन रेस्टोरेंट, और यहाँ पर बन रही है इस समय चिकन स्टू। चिकन स्टू की मेकिंग में दिखाऊंगा मैं उसके, आप उसके बाद आपको खा के बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना जितने भी लोग से शेयर कर सकते हो। रिफाइंड ऑयल कितने, कितना स्टू है इसमें, कितने किलो डाल रहे हैं? ये प्याज डाल रहा हूँ। ये प्याज डाल रहा है आपका, कितना प्याज डाला आपने इसमें? 1 किलो 1 किलो प्याज, ठीक है। ढाई किलो दे रहे हो, 1 किलो प्याज और मटर, चिकन कितना डालेगा? चिकन डालेगा मैं 3 किलो। चिकन स्टू बना रहे हो आप, ठीक है। चालू क्या ये चिकन कितना? 2.5 किलो 3 किलो चिकन, ठीक है। तो आप खाते हो ये? हाँ, अच्छी बनती है इनकी, बढ़िया, एक नंबर। ये डल रहा है हमारा लहसुन 250 ग्राम, लहसुन 250 ग्राम, बढ़िया शानदार। अब इस लहसुन को पकाएंगे अपन। कितने देर पकाएंगे इसको? 10 मिनट। देख सकते हो आप, मेकिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको, चिकन स्टू बन रहा है हमारे अनीस भाई बना रहे हैं, बहुत बढ़िया अमन बिरयानी पे, बहुत अच्छा होने वाला मेरे हिसाब से। अभी लहसुन पक रहे हैं, 10 मिनट तक पकेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है क्योंकि सिगड़ी जो हमारी बड़ी है थोड़ी सी। स्टू के अंदर क्या होता है बेसिकली, स्टू में क्या करते हो आप? मसाले डालते हैं। स्टू क्या है, मतलब स्टू कौन सी डिश है ये? इसके बारे में, स्टू का मतलब ये है, ये खड़े मसालों का बनता है। अच्छा, इसमें प्याज अदरक लहसुन सब खड़ा डलता है इसमें। अच्छा, और ये अलग डिश होती है, कौरमा अलग और स्टू अलग। तो इसका टेस्ट कैसा आता है इसमें? इसका टेस्ट थोड़ा इससे बेटर, तीखापन कम होता, थोड़ा सा तीखापन तो कम होता है इसमें, हरी मिर्चें खड़ी। कौरमा इसमें बनाने में क्या फ़र्क होता है मसालों का? उसमें मसालों का ये, उसमें ये अलग मिर्चों का बनता है गोल्डन मिर्चों का, और वो रेड मिर्चों का बनता है लाल कौरमा। अच्छा, ये फर्क है, ठीक ठीक। तो देखिए, बताया हमें बहुत अच्छा बताया भैया ने कि ऐसा ऐसा फर्क है कि वो लाल मिर्च का बनता है कोरमा और ये गोल्डन कलर बनता है। अब क्या डाल रहा है इसमें? दही, दही, दही। मतलब अब इससे पहले डाल रहा था लहसुन, प्याज, प्याज, लहसुन, फिर लहसुन, अब दही। तो पहले दही डाल रहे हो, फटेगा नहीं दही इसके अंदर? तो ये भाई हमारे अनिल, देख लो स्टू की जो मेकिंग है, चिकन स्टू की मेकिंग बना रहे हैं हमें, और इस समय हम लोगों ने इसमें तेल डाला है, उसके बाद इसके अंदर प्याज डाला है, लहसुन अदरक डाला, फिर और लहसुन के बाद इन्होंने भाई ने, अनिल भाई ने इसके अंदर डाला है
दही, अब दही थोड़ा सा फेंट रहे हैं हम, तो बहुत अच्छी चीज़ बनने वाली है। स्टू देखते हैं खाकर ये कैसा है, एक बार बन जाए फिर तो खा के बताएंगे आपको कैसा ही है। ये भीड़ देखिए, आप बच्चे आ चुके सारे, इंडिया टीवी देखो, अर्णब गोस्वामी। क्या डाल रहे हैं इसमें? हम डाल रहा हूँ नमक। नमक कितना डाल रहे हैं? नमक 70 ग्राम। 70 ग्राम नमक डाल रहे हैं। भाई साहब देख लो भैया, बहुत ही शानदार रेसिपी बनने वाली है। जानदार अनीस भाई हमारे सामने हैं, इसके अंदर देख सकते हो आप, ये नमक डाल चुका है और अच्छी भुनाई हो रही है। ये देखिए टमाटर कितना है? टमाटर है उसमें, पुदीना है, हरी मिर्च है। हाँ किसी भी हरी मिर्च है, टमाटर है, पुदीना है। ठीक है, किसी भी हरी मिर्च, टमाटर और पुदीना। अब क्या डाल रहा है इसमें? गरम मसाला 20 ग्राम। गरम मसाला 20 ग्राम। कितनी क्वांटिटी में है ये चिकन? ये 3 किलो की क्वांटिटी। 3 किलो की क्वांटिटी में चिकन है, 20 ग्राम गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला ना। तो कितनी देर लग जाती है इसे बनाने में? कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है। और क्या इसको थोड़ा बताओ थोड़ा व्यूअर्स को कि क्या इसमें अपन कर सकते हैं जो और अच्छा इसमें टेस्ट आए? सिगड़ी बन रहा अपने तो, है ना? मेन टेस्ट इसका सिगड़ी में आता है सबसे ज्यादा, सिगड़ी पे आता है। इसके नीचे ये कोयला डल रहा है इसके अंदर। जो चिकन होता है वो अलग होता है, मसाला वसाला काफी पका दिया है, कोयले हमारे भाई अंदर डाल रहे हैं और वापस ये गर्म होगी। देखिए और कोयले दिखाइए आप, ये देखिए शानदार, क्या बात। आप भी घर पे ट्राई ज़रूर करना इसको, और अगर अच्छा लगे ये रेसिपी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल बिल्कुल ही फ्री है। ये सब्सक्राइब करना, चैनल बिल्कुल फ्री है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अदरक डाल रही है इसमें? कितनी अदरक डाल रहे हो? ये 150 ग्राम अदरक। तो 150 ग्राम अदरक डाल रही है इसमें, देख सकते हैं आप। तो इसमें मिर्ची कितनी डाल रही है अपने? मोटी मोटी मिर्ची। देख लो यार, स्टू बन रहा है बहुत ही जानदार स्टू। हमारे निजाम भाई का निजाम देख लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब इसमें हल्दी डल रही, कितनी हल्दी डल रही है ये? हल्दी कितनी डली है? थोड़ी सी डलती है भाई, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम। रंग आ चुका है देख सकते हो आप, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे। चिकन स्टू की रेसिपी आपके लिए स्पेशली बन रही है, हल्दी हमने डाल दी है इसके अंदर। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो अच्छी बात नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाना बंद कर दूंगा मैं। और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी देखिए आप ये बात, चिकन स्टू बन रहा है ये, तो भैया चेंज हो रहे हैं बार बार यहाँ पे। कितना डाल रहे हो धनिया? 20-30 ग्राम। तो देख सकते हैं आप धनिया डल रहा है, ये पकाओगे इसको अच्छे से भाई, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्योंकि देखिए ये सिगड़ी में मटन, सिगड़ी पे चिकन बन रहा है, और सिगड़ी पे जो चिकन बनता है ना उसके अंदर टेस्ट ही अलग होता है, उसका उसको पकावट अलग होती है। मसाला अलग तरीके से पकते हैं, वो आप गैस पे नहीं बना सकते, ठीक है। अब अभी आप मत, बना लीजिए, आप बना लीजिए। एक मग्गा डाल दिया इसके अंदर, देख सकते हो आप यार, बढ़िया लग रहा है।
रेट में बन रहा है, तीन किलो चिकन जा रहा है इसके अंदर, देखिए बहुत बढ़िया। ये गया हमारा चिकन, बहुत टाइम बाद आई है बारिश। लाल मिर्च में डालोगे? मिर्चें भी डलेगी बता दें, गोल्डन मिर्च डलेगी। कितनी देर इसको करोगे? इसको 10 मिनट और चलेगा, 10-15 मिनट और इसको भुनेगा, भुनेगा उसके बाद तैयार हो जाएगा मिर्ची। कौन सी मिर्ची? अच्छा मिर्ची डल रही है अभी। हाँ गोल्डन मिर्ची। गोल्डन मिर्ची कौन सी मिर्ची है ये? गोल्डन अलग ही बनवाई हुई मिर्ची है ये गोल्डन। फिर भी क्या क्या मसाले हैं इसमें? लाल मिर्च नहीं, इसमें लाल मिर्च नहीं है। लाल मिर्च लगती लाल लगती। कौन सी मिर्च है तो ये गोल्डन मिर्च? गरम मसाला है इसका? मसाला आता है अलग से। अच्छा बाजार में मिल जाती है? हाँ बाजार में मिलती है। 40 ग्राम डाली है। 40 ग्राम डाली है, ठीक है। गरम मसाले की तो वो तो कर देना। अच्छा ये हरी मिर्च जल रही है, इसमें देख सकते हो स्टू के अंदर ये गजब की हरी मिर्च जल रही है। स्टू सही है जैसा इनका? स्टू कैसा है इनका? बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया। कितना क्या नाम चल रहा है? नाम चल रहा है। आपको कैसा लगता टेस्ट? कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्ट है। शानदार, क्या टेस्ट है इसमें? और दूसरी जगह पे क्या मुख्तलिफ है? ये मसाले पूरे दे रहा है, गोश्त बढ़िया ले रहा है ये, और लागत पूरी दे रहा है ये। अच्छा, और गिरा कर दिल जीत रहा है ये। कितने रुपए की मिलती है अपने? क्या मिलता है बाजार में? मिलती है 70-70। कितने पीसेस इसमें? 3 पीस आते हैं। 3 पीस 70 में। और क्या लोगे यार आज के जमाने में? आखिरी चीज चल रही है हमारी, क्या बाकी है? अच्छा मोटा धनिया डल चुका है इसके अंदर, साबुत धनिया। गरम मसाला एंड में डालोगे ना? चार कौन सा है? रंगत देख सकते हो यार आप इसकी, स्टू ऑलमोस्ट रेडी है ये, गरम मसाले बचे इसमें ना बस। एक पीस भी तैयार हो गया। थोड़ा कोरमे में से फर्क बताओ ना क्या है इसकी? गोल्डन रहती है कोरमे की, रेड कलर रहता है। अच्छा गोल्डन कलर तो फर्क होंगे टेस्ट में, पूरा फर्क अलग ही आता है। क्या है इसमें? इसका टेस्ट अलग ही आता है, दोनों का टेस्ट अलग अलग रहता है इसका, कोरमे का स्टू का और एक कढ़ाई गोश्त जो तीसरी वेराइटी है इसका अलग रहता है। अच्छा तो देखिए हमारा स्टू आ चुका है और लेग पीस हमारे को मिल चुका है स्पेशली। खा कर जाते हैं इनका, देखिए आप ये पीस, ये रोटी है इनकी खमीरी रोटी, शानदार। देख सकते हैं पीस, देखिए आप एकदम सही गला हुआ है। और ये स्टू का मसाला है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मात्र 70 रुपये में 3 पीस मिलते हैं, बहुत ही सस्ता, गजब। ये देखिए और धनिया है, ये देखिए चिकन, देखिए चिकन का पीस इसमें लगाइए मसाला, नहीं था मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी, पर वाकई काफ़ी टेस्टी है जो चिकन है ये, बहुत अच्छे से गला हुआ है। और सिगड़ी पे बनाई है, मतलब कोयले पे बनाई है, जो कोयला सिगड़ी होती है। मसाला जो इसका है वह खड़ा खड़ा है, सिगड़ी का मसाला जो बहुत अच्छा पकता है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, ये भी बहुत बढ़िया है। ये देखिए आप, अगर दिख रहा हो आपको तो बहुत ही शानदार, आला मज़ा आ गया खा करके। ये जगह है अमन बिरयानी, यहाँ पर फेमस है एम एम खान सामने ही, तेल थोड़ा निकाल देते हैं, तेल ज़्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टेस्ट है स्टू की, मैंने पूरी आपको मेकिंग दिखाई है, आप घर भी बना सकते हैं इसको। इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी ऑरेंज है, येलो है, और पीसेस बहुत अच्छे हैं। स्पेशल नंबर नेक पीस दिया है, सो नाइस ऑफ है। पूरा वीडियो हमने बनाया,
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ऐसी वीडियो और मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए। उम्मीद से ज़्यादा बेहतर है, मुझे आइडिया नहीं था कितना अच्छा होगा ये, और बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है इसमें, सबसे अच्छी बात है मिर्ची नहीं है। आप आराम से खा सकते हैं, मस्त होकर खा सकते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्यों भाई, क्या बोलते हैं, चीज़ बढ़िया है, बहुत गजब का बनाया है, बहुत गजब का। आप भी ट्राई करो, यहाँ आओ, कैसा लगा मुझे बताना आप, ठीक है। अब मैं खाता हूँ और वीडियो को मैं एंड करता हूँ, तो आराम से मैं तसल्ली से खा सकता हूँ। वीडियो में फिर वापस मिलते हैं आपको।